ताज़ा फलियां एक हल्की और स्वादिष्ट साइड डिश होती है जो टाइपिकल मेडिटेरेनियन कुजिन का हिस्सा है। आज हम देखेंगे कि इन्हें कैसे अल डेंटे पकाएं एक सरल पर स्वाद से भरपूर डिश के लिए। सामग्री: ताज़ा फलियां अपनी पसंद की मात्रा में, मोटा नमक, पानी इतना कि पॉट में फलियों को डुबोया जा सके। शुरुआत में फलियों को साफ करें, सिरों को हटाकर और अगर कोई लेटरल तंतु हो तो उन्हें भी निकाल दें। फलियों को ठंडे बहते पानी के नीचे अच्छे से धो लें ताकि कोई मिट्टी या गंदगी के अवशेष निकल जाए। मोटे नमक वाले पानी को एक पॉट में उबाल लें। प्रति लीटर पानी के लिए लगभग एक चम्मच मोटा नमक इस्तेमाल करें। उबलते हुए पानी में फलियों को डालें और लगभग 5-10 मिनट तक पकाएं, उनके आकार और आपके पसंदीदा नरमाई की हद तक। एक फली छक कर देखें कि पक गई है या नहीं। यह नरम होना चाहिए लेकिन फिर भी कुरकुरी बनी रहनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह पकाने के बाद उन्हें छान लें और पकाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्हें ठंडे बहते पानी के नीचे या फिर एक कटोरी में बर्फ और पानी के साथ डुबो दें। एक इतालवी टच के लिए परोसते वक्त आप फलियों पर जैतून के तेल की कुछ बूंदें डालें और ऊपर से थोड़ी कसी हुई नींबू की छाल छिड़क दें। एक विकल्प के रूप में आप उन्हें लहसुन और तेल के साथ पैन में हल्के से फ्राई कर सकते हैं ताकि वे और भी स्वादिष्ट बन जाएं। इटली में ताज़ा उबाले हुए जैसे सादे घटकों को जैतून के तेल से सजाना एक परंपरा है जो किसी भी डिश को खास बना देती है इसके फलदार स्वाद और गुणवत्ता के कारण। इस नुस्खे का अनुसरण करते हुए आपको एक वास्तविक और स्वादिष्ट तैयारी मिलेगी शुद्ध मेडिटेरेनियन शैली में। बुओन अपेतितो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे और भी नुस्खे के लिए हमारी वेबसाइट देखें। अगले नुस्खे तक आपका अच्छा समय हो।